हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, शिक्षक और विद्यार्थियों की सहायता के लिए हमने यह यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसकी सहायता से हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्या है आज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लिया है CM राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण, जो कि नई क्षेत्र की ओर है, जिसमें CM डिजिटल ट्रेनिंग कहा जा रहा है इसे। डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान हम सबसे पहले तो यह देखेंगे कि CM राइज डिजिटल ट्रेनिंग या डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण क्या है। मेरे एक दोस्त के द्वारा इसका बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया गया है, तो चलिए देखते हैं। नमस्कार साथियों, CM राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह वीडियो इस कार्यक्रम अंतर्गत आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। आपको अपने व्हाट्सएप पर इस प्रशिक्षण के संबंध में इस तरह से एक व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त होगा। इसमें विभिन्न चरणों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताई गई हैं। जैसा आप इस मैसेज में देख सकते हैं, इसमें 3 चरण दिए गए हैं। पहले चरण में एक गूगल फॉर्म भरना है, दूसरे में अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, तथा तीसरे में प्रशिक्षण में सहभागिता के संबंध में जानकारी दी गई है। यह पूरी प्रक्रिया और प्रशिक्षण हम मोबाइल पर पूर्ण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले चरण को अल्पविराम नाम दिया गया है। इसमें हमें एक गूगल फॉर्म पर अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करनी है। इस चरण में दी गई लिंक को क्लिक कर खोलें। हमारे सामने इस प्रकार से गूगल फॉर्म दिखाई देने लगेगा। देखिए साथियों, ये एक गूगल फॉर्म हमारे सामने दिखाई देने लगा है। इस सर्वेक्षण फॉर्म को हमें एक बैठक में ही पूरा करना है। इसे पूरा करने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। इस फॉर्म को पूरा करके इसके अंतिम भाग में जहां सबमिट दिया गया होगा, उसके माध्यम से हम इसे जमा कर सकते हैं। इसमें जो सारी जानकारियां दी गई हैं, इन्हें भरते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अंत में आपको एक सबमिट बटन मिलेगा, उसे दबाकर आप इसे पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब चलते हैं दूसरे चरण की ओर, जहां हम जानेंगे कि दीक्षा ऐप को अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड करें। इसके लिए मैसेज के दूसरे भाग में दी गई लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर हम प्ले स्टोर पर दीक्षा के पेज पर पहुंचेंगे। यहां दिए गए इंस्टॉल बटन पर हम जब क्लिक करेंगे, तो दीक्षा हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होने लगेगा। तो देखा साथियों आपने, कैसे हमने दीक्षा ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया। अब दीक्षा ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर हम मैसेज के तीसरे चरण अर्थात प्रशिक्षण के पहले कोर्स की लिंक को क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर हमसे यह विकल्प पूछा जाएगा कि हम दीक्षा को मोबाइल एप्लीकेशन में खोलना चाहते हैं या ब्राउजर में, तो हम एप्लीकेशन के विकल्प का चयन करेंगे। यहां हम सबसे पहले भाषा का चयन करेंगे, उसके बाद उस भूमिका का चयन करेंगे जिसमें हम दीक्षा ऐप पर लॉगिन कर रहे हैं, यानी एक शिक्षक के रूप में। इसके बाद हमसे बोर्ड चुनने को कहा जाएगा। हम हमारे प्रदेश का यानी मध्य प्रदेश का बोर्ड यहां पर चयन करेंगे। हमसे माध्यम चुनने को कहा जाएगा। हिंदी अंग्रेजी आपको जो उचित लगे आप भाषा चुन सकते हैं। हमसे वे कक्षाएं चुनने को कहा जाएगा जिनके लिए हम पढ़ाते हैं या जिनको हम मदद करते हैं। आप एक से अधिक कक्षाओं का चयन भी कर सकते हैं। प्रशिक्षण में भाग लीजिए पर क्लिक करते हैं। जब हम प्रशिक्षण में भाग ले पर क्लिक करते हैं, तो हमसे लॉगिन करने को कहा जाएगा। यहां आप देख रहे हैं स्क्रीन में सबसे नीचे यहां पे एक नीले रंग का बटन दिया हुआ है, लॉग इन करें। हम इस पर क्लिक करेंगे।
यहां हम दीक्षा के लॉगिन पृष्ठ पर आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहां पे लॉगिन की आईडी पासवर्ड डालने का स्थान है, लॉगिन करने का बटन है। उसके ठीक नीचे देखेंगे तो हरे रंग से लिखा हुआ है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, उसके नीचे लिखा है लॉगिन विद गूगल, और उसके ठीक नीचे यानी कि सबसे अंत में लिखा हुआ है रजिस्टर हियर। हम दीक्षा पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को या गूगल के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने ये व्यवस्था की है मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कि वे दीक्षा पोर्टल पर लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से जाएं, क्योंकि जब आप कोई कोर्स पूरा करेंगे तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये प्रमाण पत्र तभी जारी होगा जब आप लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो हम बाकी अन्य किसी ऑप्शन पर लॉगिन न करते हुए लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से लॉगिन करते हैं। इसके लिए हम जो हरा बटन दिया है जहां लिखा है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, उस पर क्लिक करेंगे। यहां हम अपना प्रदेश, अपना जिला दर्ज कर दें और सबमिट कर दें। जब हम सबमिट करते हैं तो हम एक पृष्ठ पर आते हैं जहां लिखा है लॉग ऑन टू दीक्षा फ्रॉम मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन पोर्टल। इसको आप देखें, यहां पर नीचे दिया हुआ है यूजर नेम और पासवर्ड, ये दो स्थान यहां पर दिए हैं, और उसके नीचे लॉगिन का एक बटन भी दिया हुआ है। यहां यूजर नेम और पासवर्ड में आपको अपनी यूनिक आईडी डालनी है। जी हाँ, आपकी एम्प्लॉई यूनिक आईडी यहां पर डाली जाएगी। ये वही यूनिक आईडी है जो हम एम शिक्षा मित्र पर लॉगिन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपनी यूनिक आईडी डालते हैं और अपना पासवर्ड डालते हैं, और उसके बाद हम लॉगिन की कार्रवाई आगे चलाते हैं। यहाँ रिमेम्बर मी पर हम क्लिक करेंगे और लॉगिन पर हम क्लिक करते हुए लॉगिन को आगे बढ़ाएंगे। जब हम दीक्षा पोर्टल पर पहली बार लॉगिन कर रहे होते हैं हमारे यूनिक आईडी के माध्यम से, तो हमसे हमारा मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो हम हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, शर्तों को स्वीकार करते हुए हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होता है, उस ओटीपी को हम यहाँ दर्ज करेंगे और सबमिट ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। जब हम सबमिट ओटीपी बटन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, तो हमें हमारे बारे में कुछ जानकारियां बताई जाती है। हमारा नाम, शाला का नाम, हम किस जिला विकासखंड से हैं, वो जानकारियां बताई जाती हैं। उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है। यहाँ भी हमसे हमें मध्य प्रदेश का चयन करना है, फिर हम माध्यम चुन लेंगे हिंदी, और फिर हम कक्षाएं चुन करके इनको पूर्ण कर देंगे और सबमिट कर देंगे। अब हमने दीक्षा पोर्टल पर लॉगिन भी कर लिया है और हमारा प्रोफाइल भी सेट हो गया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे को ये पेज एक खुल गया है हमारे प्रशिक्षण का। ये पहला प्रशिक्षण है, इसमें यहाँ ऊपर लिखा हुआ है प्रशिक्षण में भाग लीजिए, बाकी नीचे प्रशिक्षण की जानकारी और उसके भागों के बारे में बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके दो भाग दिखाई दे रहे हैं। आने वाले प्रशिक्षणों में ये तीन या तीन से ज्यादा, चार, पांच या छह तक हो सकते हैं। हम उन भागों को एक एक करके पूर्ण करेंगे, और जब हम पूरे भाग पूर्ण कर लेंगे प्रशिक्षण के, तो हमारा प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं प्रशिक्षण में भाग लीजिए, जो कि हरे रंग के बटन में दिखाई दे रहा है। आइए इस पर क्लिक करते हैं। जब हम प्रशिक्षण में भाग लीजिए पर क्लिक करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक नया पृष्ठ खुल गया है जिसमें ऊपर प्रशिक्षण का नाम लिखा है। उसके नीचे आप देखेंगे तो एक नीले रंग का एक आइकॉन है जहां पर लिखा है डाउनलोड। ये इसके माध्यम से हम इस कोर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी प्रगति 0%। क्योंकि अभी हमने ये कोर्स शुरू नहीं किया है तो यहाँ 0% आ रहा है। जैसे जैसे हम इस कोर्स को पूरा करते जाएंगे, वैसे वैसे ये प्रगति प्रतिशत के रूप में यहाँ आगे बढ़ती जाएगी, और ये जो दिखाया गया है तरीका, इसके माध्यम से जब ये 100% हो जाएगा, जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, तो हमारा कोर्स पूर्ण हो जाएगा। तो इसको शुरू करने के लिए हम अभी शुरू करें आइकन पर, जो यहाँ हरे रंग में दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ एक वीडियो खुल रहा है, और अब उस
वीडियो को हम चलाएंगे। तो देखा साथियों आपने हम कैसे हमारे पहले प्रशिक्षण तक पहुंचे। इस मैसेज के माध्यम से हमने एक गूगल फॉर्म भरा जिसे हमने अल्पविराम नाम दिया था। हमने दीक्षा एप्लीकेशन को हमारे मोबाइल में डाउनलोड किया और अपने पहले कोर्स तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझा। इस पूरी प्रक्रिया में यदि आपको कोई समस्या आती है तो वीडियो में बताए अनुसार एक बार और प्रयास करें। यदि फिर भी आपकी समस्या हल न हो तो इस मैसेज के अंत में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार के प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 11 से सायं 5 बजे तक उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद।